हल बखर वाला भैया अभी नहीं आए हैं, तो उनका ही वेट कर रहे हैं। उनको याद है तक ये आलू को अलग अलग कर लेंगे छोटे। मैं जा रहा हूँ अभी वो भैया को देखने कि क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए करके। उनको बुला के लेके आता हूँ, वो जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा अपना, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। ये हमारे पीछे रंजीत भैया, आज से उनकी बोनी वखरोनी चालू हो रही है, तो ट्रैक्टर में ले जा रहे हैं पूरा सामान, यूरिया है और गेहूँ वगैरह है। वह अपना नाना जी का घर, और ये लगा आलू। वो बैल भी पहुंच गया वहाँ पे, बस थोड़ी देर में काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये लगा अपना आलू। ये हमारे खेत में आलू खुदाई चालू हो गई है, ये आज लास्ट है। इसके बाद फिर कोई काम ही नहीं बचेगा, फिर बोनी वखरोनी रहेगी, फिर इसमें देखते हैं क्या लगाना है, गेहूँ लगाना है या। हेलो गाइस, मैं भी जा रहा हूँ पराजिया। पराजिया में थोड़ा सा काम है, इसलिए मेरे को पराजिया जाना पड़ रहा है। पापा ने थोड़ा सा काम दे दिया है और एक भैया के अकाउंट में पैसे डालना था, तो बैंक भी जाना है। यस बैंक का हो गया काम, अब जाना है हमको ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में पैसे जमा करने हैं, ऑनलाइन होते नहीं है वहाँ पे, नहीं तो मैं ऑनलाइन ही कर देता, इसीलिए मेरे को परासी आना पड़ा छोटे से काम के लिए। ये है ग्रामीण बैंक, हम आ चुके हैं ग्रामीण बैंक। यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लग रहा है। हमारा ग्रामीण बैंक का भी काम हो गया है, हमने पैसे जमा कर दिए, हम निकलते घर के लिए। चाचा जी का थोड़ा सा काम करवाना है, चाचा जी की गाड़ी पे चैन थोड़ी ढीली हो गई, उसको टाइट करवाना, कल जबलपुर जा रहे हैं वो। कल चाचा जबलपुर जा रहे हैं, और बहुत गंदी भी हो गई थी गाड़ी, तो मैंने सोचा धुलवा देता हूँ, चैन टाइट करवा दिया हूँ, प्रेशर से धुल जाएगी तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और धुलने के बाद जो गाड़ी चलती है बहुत स्मूथ चलती है। ये हो गया है आज का आलू, इनके आलू भी बिनवा लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा मतलब चारा भी इकट्ठा करवा लिए हैं इनको। फिर उधर साइड में फेंक देंगे मैड के उधर साइड। फिर यहाँ पे बोना है गेहूँ,